हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मस्क मेलन आइसक्रीम। मस्क मेलन जो हमें गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाता है, एंटी एजिंग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मस्क मेलन आइसक्रीम की रेसिपी। ये है आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू रेसिपीज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम खरबूजे को पील कर लेंगे, उसे छील लेंगे और इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो मैंने खरबूजे को कट कर लिया है। अब हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। तो मैंने एक मिक्सर जार लिया है। मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हम खरबूजे का पेस्ट बना लेंगे, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे इसका। तो पेस्ट बन करके तैयार है, इसे हम साइड में रख देंगे। अब लेंगे एक पैन में आधा कप दूध, ये फुल क्रीम मिल्क है। इसे हम 2 से 3 मिनट तक बॉईल करेंगे। 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे बॉईल करने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे शुगर। तो मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे चीनी डाली है। चीनी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम बॉईल होने देंगे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक। मैंने यहाँ पे 200 ml मिल्क लिया है, जिसमें से मैंने अभी थोड़ा मिल्क बॉईल किया है और थोड़ा सा ठंडा दूध मैंने रख दिया था। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और उधर दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम इसमें ये कस्टर्ड पाउडर धीरे धीरे मिलाते जाएंगे और इसे कंटिन्यू हमें स्टिर करते रहना है, एकदम अच्छे से गाढ़ा करना है हमें इसे। तो 3 से 4 मिनट तक हम इसे कंटिन्यू स्टिर करते रहेंगे। और ये देखिए दूध थिक होना शुरू हो गया है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने को रखेंगे। और अब हम मिलाएंगे इसमें फ्रेश क्रीम। तो ये होममेड फ्रेश क्रीम है, इसकी रेसिपी मैंने पहले से ही शेयर कर रखी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ ही रखा है। अब हम मिलाएंगे इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट। अगर आपके पास एसेंस है तो आप एसेंस भी मिला दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब डालेंगे हम इसमें मस्क मेलन प्यूरी यानी खरबूजे का पेस्ट। तो खरबूजे का पेस्ट मैंने अच्छे से मिला दिया है। तो आइसक्रीम का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसे डालेंगे एक कंटेनर में। तो मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, इसमें हम ये आइसक्रीम बेस ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसे 12 घंटे के लिए डीप फ्रीज करेंगे। तो इसे मैं फ्रीजर में रख देती हूँ सेट होने के लिए। और 12 घंटे के बाद हम बॉक्स को ओपन करके चेक करते हैं। तो ये देखिए आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसे हम 5 मिनट तक सॉफ्ट होने के रखेंगे और 5 मिनट के बाद हम एक नाइफ लेंगे और इसे हम कट करेंगे नाइफ की हेल्प से। तो सारी आइसक्रीम को हम इस तरीके से कट कर देंगे और अब हम इसे फेंटेंगे। तो मैंने एक फोक लिया है, आप फोक की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम फोक की हेल्प से भी कर सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे एक हैंड विस्कर लिया है, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसे बीट कर लीजिए। अब हमें इस आइसक्रीम की एक स्मूथ क्रीम बनानी है। तो हम इसे लगातार 7 से 8 मिनट तक लगातार फेंटेंगे जब तक कि इसकी एक अच्छी सी क्रीम ना बन जाए। तो ये देखिए लगातार बीट करने से काफ़ी स्मूथ हो गया है पेस्ट और ये क्रीम बन करके तैयार है। अब हम फिर से सेम कंटेनर लेंगे और ये आइसक्रीम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हम फिर से रखेंगे 12 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए। तो इसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में और 10 से 12 घंटे के बाद ये देखिए मैंने इस पर क्लिंग रैप लगा दिया था ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना बने। और ये देखिए आइसक्रीम बनकर के तैयार हो गई है। अब ये आइसक्रीम सर्व करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी क्रीमी और सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है। आप भी ऐसी आइसक्रीम ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स में ऐसा शेयर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।